तो सबसे पहले बात है भाई 19 जुलाई की। 19 जुलाई को हुआ भाई मेरा सबसे पहले एक्सीडेंट। तो बहुत 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 कुछ दर्द झेल चुका हूँ भाई मैं इस महीने में। और मतलब तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और भाई ये ब्लॉग मैंने कम से कम 3-4 ब्लॉग डिलीट करने के बाद बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में भाई इस महीने में इतने दुख दर्द आए, इतने दुख दर्द कि आपको क्या क्या बताऊँ। चलो शुरू से बताता हूँ भाई। तो सबसे पहले बात है भाई 19 जुलाई को हुआ भाई मेरा सबसे पहले एक्सीडेंट, जो कि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई कैसे हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था हम गए थे भाई कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में। हम गए थे भाई RC 200 से, KTM की RC 200 से रेस करने। तो भाई रेस करते टाइम मैं मतलब गिर गया, गड्ढे आ गए। हमारा इधर का हाईवे ख़राब है तो गड्ढे आ गए। तो मेरी स्पीड थी 126 और भाई 126 की स्पीड में मैं गिरा। तो भाई भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, लेकिन मतलब मैं गिरा था ना जब मैं बेहोश हो गया था भाई। और अब मैं आपको हेलमेट की अपनी हालत दिखाऊंगा एक दिन। अभी हेलमेट तो दूसरे रूम पर रखा है, नहीं तो मैं भी आपको दिखाता। और भाई मतलब मैं गिरने के बाद सोच रहा था, जब हॉस्पिटल में गया था, कि भाई मैं बच कैसे गया 120 की स्पीड में। तो भाई भगवान थे अपने, तो भाई वहाँ पे बच गया। मतलब 20 दिन तो मैं घर पे लेटा रहा। और भाई एक बात और बताऊँ, उसमें मैं GoPro भी मतलब अपना मोबाइल भी फिट किया था, जिसमें मतलब जब मेरे एक्सीडेंट हुआ था ना, वो डाटा भी मेरे पास था। लेकिन भाई वो डाटा डिलीट हो गया। डिलीट नहीं भाई, रुको मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। ये मोबाइल है ना, ये पोको का मोबाइल है भाई। इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आती है, मतलब इसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। मतलब जैसे इंसान का दिमाग होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें भाई डाटा नहीं बचा। तो भाई एक तो वो एक्सीडेंट का दर्द, एक तो भाई इसमें डाटा नहीं बचा। अगर वो वायरल होती वीडियो एक्सीडेंट की तो वो नहीं बचा, वो दर्द। तो भाई बहुत कुछ हुआ है। और फिर अभी की एक बात बताऊँ भाई, मैंने आईफोन लिया था, जिससे कि अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी मुझे ये पता चल रहा है, मतलब मैंने सेकंड हैंड लिया था। और अभी मैंने वहाँ पे भाई देखा नहीं, मैंने सोचा ये भैया की दुकान है दीवार ओवर, तो भरोसा करके ले लिया भाई। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये 128 GB नहीं है, 64 GB है। तो ये प्रॉब्लम है अब मुझे। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि काइनमास्टर वगैरह, मतलब ऐसे थर्ड पार्टी की ऐप डाउनलोड नहीं होते आईफोन में। ये तो पहले से पता था, लेकिन भाई बहुत मुश्किल आ रही है मतलब इसको यूज़ करने में, इसको चेंज करना पड़ रहा है भाई। और अभी मैं ले रहा हूँ Nothing Phone 1, अभी मैंने चूज किया है, मतलब लिया नहीं है। और शॉप पे जाके देखेंगे उसका कैमरा वगैरह कैसा है, फिर हम लेंगे Nothing Phone 1। तो अभी अभी शॉप पे चलते हैं भाई। छोटू आ गया था, अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो छोटू आया घर से, तो गाड़ी चलेंगे अभी। भाई बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ इस महीने में। फाइनली आज है 1 तारीख। एक दूसरा मोबाइल बताइए क्या तारीख है आज? 1 अगस्त। अगस्त सितंबर है, 1 सितंबर। तो आज से मेरी किस्मत शायद बदल जाए भाई, मतलब अच्छे दिन शुरू हो जाएं। तो चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं और अपना न्यू फोन लेके आते हैं। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। अभी चलते हैं भाई। तो बहुत 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 कुछ दर्द झेल चुका हूँ भाई मैं इस महीने में। और मतलब दर्द आना भी ज़रूरी थे भाई, क्योंकि मैं पहले मानता नहीं था। आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैं स्पीड में चलाता था गाड़ी, लेकिन भाई मैं बोलता था क्या भाई ऐसे थोड़ी होता है एक्सीडेंट। लेकिन भाई एक बात भी है कि मतलब मैं ऐसे नॉर्मली कहीं भी चला जाता था, मार्केट में कहीं भी, मतलब लीन वगैरह चाहे कैसी कर लो। लेकिन वो रास्ते में गड्ढे आ गए और हम कर रहे थे भाई वो रेस कर रहे थे, इसलिए वो देखता था, नहीं तो भाई एक्सीडेंट ना होता मेरा। चलो कोई ना भाई, पास्ट को भूलो, अभी प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं और अपनी आज की न्यू शुरुआत करते हैं। और कल से आपको डेली मिनी ब्लॉग देखने को मिलेंगे, अगर आज मैंने मतलब मोबाइल ख़रीद लिया तो। अभी चलते हैं भाई शॉप पे। और मोबाइल ख़रीदने तो मैंने शॉप वाले भैया से अभी कॉल करके बात कर ली थी, तो वो बोल रहे थे आ जा भाई तेरे को Nothing Phone 1 देता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है। तो चलते हैं। और एक बात और है भाई, अपन को मोटो ब्लॉगिंग भी करनी है मोबाइल से, क्योंकि मेरे पास GoPro नहीं है, तो वाइड एंगल भी अच्छा देखना पड़ेगा। वाइड एंगल भी अच्छा देखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। तो भाई छोटू लाया था गाड़ी, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी भाई, और MT अपनी इंश्योरेंस अभी क्लेम नहीं हुआ भाई। तो अभी हम भाई आ चुके हैं और इस शॉप से लेना है हमको। तो चलते हैं भाई। अभी भाई मैं शॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ से लेना है हमको फोन। हाँ तो बताओ ना क्या डालने सिस्टम दिखाओ भाई फोन। हाँ तो उसका आईफोन भैया को भेजो और जो मैंने कल परसों लाओ, तो जो हो जाएगी पूछ रहा हूँ तुम्हें। हैं जा 64 GB है, आप जाए वापस करने। हाँ सेकंड हैंड लाऊंगा और का
मिल जाएगा ये कॉल लेने तो। चलो तुम तो भाई वो दिखा दो। उसकी बात हुई थी नथिंग फोन बंद, वो देखना हमको। अमन भैया से कॉल करके पूछ रहा था मैंने। पकड़िए नीचे जब तक भाई हम और दूसरे फोन का कैमरा चेक करते हैं। जैसे एक ये वीवो G27 इसका अरे भाई ये तो ले गई तो हो रहा वाइड एंगल नहीं है यार जाम इसमें भाई वाइड एंगल नहीं है। रिकॉर्डिंग तो 4K 30 FPS पे कर रहा है लेकिन वाइड एंगल नहीं है। कहो भैया इसमें वाइड एंगल नहीं है। वाइड एंगल 0.5 पे वो नहीं होती इतने ही हुए बस। फिर तो कुछ काम ही नहीं है भाई इसका। ये फोन जे पसंद है मतलब ये छोटू बोल रहा है ये ले लो और मैं बोल रहा हूँ ये लेना है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन लेते हैं। ये था भाई मेरा पोको X3 Pro जिसने अभी तक मेरे 75 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए और आज फाइनली ये डेड हो चुका है। आज नहीं भाई 4-5 दिन हो चुके हैं इसको। तो अभी भाई हमने पैसे दे दिए हैं। अभी इसको खोल के इसका कैमरा टेस्ट करना है और फिर कैमरा अगर अच्छा निकला तो ले लेंगे नहीं तो और कोई देखेंगे। नथिंग इसमें वाइड एंगल भी 4K रिकॉर्ड हो रहा है और नॉर्मल भी। तो हमको वाइड एंगल भी लगेगा क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में वाइड एंगल लगता है। और सही है तो भाई ये फाइनल हो चुका है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। अमन भाई करेंगे उसमें सर्विस नहीं मिलती है जो बात है क्लियर है। वो क्या रहता है कि उसमें सर्विस सेंटर से सर्विस मिलने में दिक्कत आ रही है। फोन मेरे को फोन बाद में पहले वही निकालो। फोन यहाँ रख दो पहले। फोन अभी ये रख दिया। अभी पहले केस वगैरह निकालते हैं इसकी। जी क्या है अरे भाई जी कुछ यूनिक सा नहीं ये डाटा केबल है जो कहाँ से लगा इसमें कवर वगैरह कवर नहीं है। ओए हेलो जो कहाँ से लगे तो भाई की केबल से कर दे ना और केस वगैरह और केस नहीं।, नहीं है कवर तो फिर अलग से जी का है भाई कवर भी नहीं है कुछ भी नहीं है चार्जर भी नहीं है। आईफोन की कॉपी कर रहा हूँ और का है जामा बस खत्म। चलो जी और करो मेरे कोई हो यार कोई हो ना। फाइनली भाई अपना फोन यहाँ से और ब्लैक कलर में अपना। ओ भाई अपने भेज तो रहो भेज दे एक दिक्कत थी मतलब आईफोन से एंड्रॉइड लेना था नहीं तो कैमरा तो इसका भी सही है इसलिए नथिंग चूज किया मैंने। एयरफोन नहीं दे रहे गिफ्ट भी मिलेगा। चलो तुम आप ही बताओ लोकेशन बता दो तुम अपनी दुकान की। भारती मोबाइल
के पास पुलिस आया था केंद्र करेरा। सभी कंपनियों के मोबाइल मिल जाएंगे, आईफोन, नथिंग, सैमसंग, रियलमी, सभी फाइनेंस चालू है ना, जीरो डाउन पेमेंट पे भी चालू हो जाएगा। और ये बजा के कार्ड बना हुआ है, एक बार सेवा का मौका अवश्य। और अगर आपको फोन वगैरह जैसे कुछ टैबलेट और आईफोन कोई भी सामान लेना हो तो आप आ सकते हो भाई, एटीएम के पास में दुकान है और वहाँ पे उस साइड में बस स्टैंड है, बरिया के सामने की दुकान है, तो एक बार जरूर विजिट करना, ठीक है। एक अच्छी बात लगी मुझको ये कि इसमें वाइड एंगल में भी 4K रिकॉर्ड है, तो इस वजह से ये फोन अच्छा लगा मुझे। चलो पेमेंट कर दिया है, अभी एयरफोन और देंगे। बता कौन है जी, मोबाइल में देख रहे हैं ना जिनके आने। चलो अब एयरफोन तो दो हमें, पता तो मिला है एक वीडियो थी अपनी, सर्च कर लेना यूट्यूब पे DK लोधी ब्लॉग्स, तुम लोग फोन तो हो गई, ठीक है बाय। भैया भैया ठीक है, धन्यवाद भाई। तो भाई अभी हमने अपना नथिंग फोन ले लिया है और अभी मैं उसी से शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट में बताओ कैसी क्वालिटी आ रही है। और ये वाइड एंगल शूट हो रहा है और अभी मैं मेन कैमरा से शूट करता हूँ, ठीक है। और ये है भाई इसका मेन कैमरा जो कि 4K रिकॉर्ड करता है और वाइड एंगल भी 4K रिकॉर्ड करता है। तो अभी चलते हैं भाई अपने घर पे, मतलब अपने रूम पे। और नीतेश बोरा भाई, एंड्रॉयड से भाई आईफोन नहीं लेना भाई, आईफोन पता है किसके लिए है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अभी अपने पास पैसा नहीं है भाई, क्योंकि आईफोन होता तो मैं उसमें काइन मास्टर का सब्सक्रिप्शन ले लेता और हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लेता, भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इसमें आईफोन का 64GB वाला था, 128 या फिर 256 होता तो सही रहता। तो अभी रूम पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। रूम पे आ चुके हैं भाई हम, और ये रहा अपना नथिंग फोन बन, और इसकी जेली कवर लाया हूँ भाई, जेली। कहाँ जा, मैं देख लूँगा क्या कर रहा है। अरे क्या कर भी लगे रही हो तो भाई साहब, जो फोन ले आओ, क्यों कॉल 30,000 को जो, जो है 30,000 को जो भी नहीं, तुम रोटी बनाओ जा अगली। तो अभी हम भाई आ चुके हैं अपना फोन लेके, और अभी इसका सेटअप करते हैं। अभी मत चला रहे आवाज आ रहा है, अभी इसका सेटअप करते हैं, मतलब ऐसे अपना यूट्यूब बाइट स्टूडियो सब कुछ खोलना है, जीमेल वगैरह। भाई हमको ये फोन पड़ा है, मैं आपको बता दूं 28,500 रुपए का, तो मतलब हाँ 28,500 का पड़ा है ये 8128। तो अभी सेटअप करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई जब हम आ चुके हैं भाई अपने कस्बा में, बोलो इसको नर्सरी और कस्बा दोनों बोलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं और अपने मोबाइल का पूरा सेटअप हो चुका है भाई। और अभी मैं आपको रुको पीछे की लाइट जला के दिखाऊँ, रेको ये लाइट जला के दिखाता हूँ रेको ना, यहाँ पे सॉरी ऑफ ऑन करना है, देखना अभी जी जो ब्राइटनेस बढ़ाई है तो जो लाइन है ना, ए नीतेश ना देख, देखो भाई ओए होए चल रही है ना, जल्दी है जल्दी है। और भाई ये मतलब जब चार्ज होता है ना, तो यहाँ से जो डंडी दिख रही है ना, यहाँ से ऊपर की साइड लाइट जाती है। और ये सेटअप देखो सब कुछ कर लिया है मैंने, इंस्टाग्राम भी खोल लिया है। और आपने भाई हाँ एक बात बोलना भाई, मैं अभी तक बोलता ही नहीं हूँ भाई, कि आप मुझे भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो भाई। यहाँ पे अभी बन के सब्सक्राइबर हैं, अरे भाई घट गए बन, अब क्या हो रहा है भाई 35 से 46 से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो भाई, यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई ने कैसी कैसी पोस्ट डाल रखी हैं, ये देखो ऐसे सिस्टम अपना आईफोन, बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अभी आप फॉलो कर सकते हो। और भाई इसमें मुझे देखो कैमरा दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आपको कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब 4K रिकॉर्डिंग सही है एंड्रॉयड के हिसाब से। और क्या चाहिए भाई, बस अपना आज से इसमें ही सब कुछ होगा, इससे ही मिनी ब्लॉग आएंगे, इससे ही नॉर्मल ब्लॉग, और इससे ही भाई मोटो ब्लॉग, सब कुछ इससे ही होना है। अभी ब्लॉग बन रहा है जो है वो बन रहा है आईफोन से, तो आईफोन भाई एक दो दिन में वापस कर देंगे या फिर आज शाम को कराऊंगा मैं डाटा निकाल के। तो तब तक के लिए भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।